मुस्तफा नवाज खोकर को आजम सवाती की हिमायत महंगी पड़ गई। पीपल्स पार्टी ने अपने ही सेनेटर को रेड कार्ड दिखा दिया। पीपी रहनुमा सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर का कहना था कि पार्टी के एक सीनियर लीडर से मुलाकात के दौरान उन्हें पैगाम दिया गया कि पीपी कयादत उनकी सियासी पोजीशन से खुश नहीं है और सेनेट की नशिस्त से उनका इस्तीफा चाहती है। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा कि उन्होंने खुशी से इस्तीफा देने की हामी भर ली है। एक सियासी वर्कर की हैसियत से वो अवामी मुफाद के मामलात पर अपनी राय के इजहार का हक फख्र से इस्तेमाल करते हैं। सेनेट की नशिस्त देने पर वो पार्टी क़यादत के मशकूर हैं। नौजवान सियासी रहनुमा का कहना था कि वो कल जाती हैसियत में चेयरमैन सेनेट को अपना इस्तीफा पेश कर देंगे। वाज़े रहे कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा सेनेटर आजम सवाती की नाजेबा वीडियो लीक होने के बाद मुस्तफा नवाज खोकर ने खुलकर उनकी हिमायत की थी और इस इकदाम में मुलव्वस अफराद को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया था।